बोलें ताकि आपको हर वीडियो का न्यूज देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका पत्रकार सुधाकर सूर्यवंशी। फिलहाल अभी हम इस वक्त पशु कल्याण तालुके के माजी विधायक मल्लिकार्जुन खोबर साहब के निवास स्थान के बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं 3 तारीख को पशु कल्याण को भारत देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी तैयारी हो चुकी है। अभी इधर वो पशु कल्याण के माजी विधायक श्री मल्लिकार्जुन खोबर जी के भी यहाँ पर आपको कटोट नजर आ रहे हैं। क्या हम ऐसा कि उनके स्वागत के लिए कटोट लगाए, ये क्या रीज़न है, वो हमारे BK9 न्यूज़ से लाइव आ रहे हैं, देखेंगे उनका अभिप्राय। जी तो जैसा कि 3 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं सर, भारत देश के गृह मंत्री, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर पशु कल्याण आवाम जनता को? देखिए, जो 8 साल पहले भी पशु कल्याण को अमित शाह साहब, जब उन्होंने मेरे हिसाब से पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे और कर्नाटक में उनकी सरकार थी, सदानंद गौड़ा साहब और येडियुरप्पा साहब सभी केंद्र के और राज्य के मंत्री मिलकर कोटा को आए थे। कोटा में सरदार पटेल साहब का एक स्टैचू अनावरण करना अर्जेंट बना के बोल के उन्होंने भूमि पूजा करे थे। 8 साल हो गया, अभी तक वहाँ स्टैचू अभी बैठा नहीं। नाम के वास्ते उद्घाटन हुए सो है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष और युवा कमेटी की तरफ से सरदार पटेल साहब का मूर्ति का स्थापना होना था, ये वादा कौन किया था सर? वो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो वो एक हमारा आशा है कि कब होएगा, क्योंकि 8 साल हो गए। अब बसव कल्याण को अमित शाह साहब जो केंद्र के होम मिनिस्टर हैं, आगे तो हमको बड़ी खुशी है, लेकिन पशु कल्याण में इस एरिया में डेवलपमेंट को उन्होंने सपोर्ट करना, कल्याण कर्नाटका 371 जे मोस्ट बैकवर्ड एरिया है, इस एरिया में रोजगार लोगों को है ही नहीं, तो गृह मंत्री रहते हुए उनकी जो पावर है, प्रधानमंत्री जैसा पावर है, इस एरिया में इंडस्ट्रीज बोलो, गवर्नमेंट का स्कीम आना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में हम थे, हमारे को मांग करेंगे क्या सर? नहीं, देखिए मैं तो जनता दल छोड़ा था, बोल के छोड़ा था कि बसव कल्याण के लोगों का विचार भारतीय जनता पार्टी पे है, और भारतीय जनता पार्टी मेरे को आह्वान कर रहे थे कि आना। आने के बाद मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी से, मैं एक MLA रहते हुए राजीनामे दे के आया। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिले।